हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आपका भाई आ चुका है आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कनाडा के जॉब्स के बारे में। आज के इस वीडियो में जिस कंपनी की वेबसाइट पर लेके जाऊंगा दोस्तों, उस कंपनी में निकली है करीब करीब 100 जॉब्स जो सिर्फ कनाडा में अवेलेबल है। और इतना ही नहीं है दोस्तों, कनाडा के अलावा भी ये बहुत सारी कंट्रीज में आपको जॉब देती हैं। अगर आप कनाडा नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में जाना चाहते हैं, एशिया की कंट्रीज में जाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो भी आप इस कंपनी के जरिए जो है उन कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भैया यहां पर निकली है ऑयल एंड गैस सेक्टर की जॉब, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जॉब, और साथ ही ऐसी बहुत सारी जॉब्स निकली है दोस्तों जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सारी जॉब्स जो होने वाली है दोस्तों, ये सारी जॉब्स जो है एक्सपीरियंस जॉब होने वाली है। इनमें कम से कम आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और किसी किसी जॉब में आपको 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए अभी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि फ्रेशर हो तो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई मत करना। अगर एक्सपीरियंस है, वेल्डर का एक्सपीरियंस हो, इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस हो दोस्तों, साथ ही पाइपलाइन इंजीनियर का एक्सपीरियंस हो, क्वालिटी कंट्रोलर का एक्सपीरियंस हो, हेवी प्लांट ऑपरेटर का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस कंपनी में जो है अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, इस कंपनी को ढूंढने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, थोड़ी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि भैया मेरी मेहनत का फल मीठा ही है। क्योंकि ये कंपनी जो है भैया बहुत सारे लोगों को वीजा दे सकती है, बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप दे सकती है, अगर आप सुटेबल हैं रोल के लिए। तो अगर आप रोल के लिए सुटेबल नहीं होंगे तब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप अपने मुंह की खाएंगे, आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप यहां पर अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको चाहिए होगा कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। अगर आप इंडियन रेज्यूमे यूज कर रहे हो या फिर यूरोपियन रेज्यूमे यूज कर रहे हो दोस्तों, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए जल्दी से एक कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाइए और फिर इन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत आसानी से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मैं रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता देता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक्सपीरियंस की जरूरत है और बाकी अलग अलग जॉब्स में अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, जो कि भैया वो जॉब करने वाला ही समझ पाएगा, क्योंकि मेरे समझ से तो वो टर्म्स ही बाहर थे। मेरे को तो समझ ही नहीं है कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट में मांगा जा रहा है, लेकिन जो काम करेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ भैया क्या पूछा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है। तो ज्यादा दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं आपको ले चलता हूं कंपनी की वेबसाइट पे। कंपनी का नाम है NES फिरक्रॉफ्ट। यहां पर जो है आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगे दोस्तों, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ले चलता हूं आपको कंपनी की वेबसाइट पे, कौन-कौन सी जॉब्स एक्चुअल में निकली हैं और कैसे आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चलिए बताता हूं। दोस्तों कनाडा की इस कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल पे, गूगल पे जाकर सर्च करना है दोस्तों NES फिरक्रॉफ्ट, आपको FIRCROFT टाइप कर लेना है और उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने जो है आ जाएगा सजेशन, और सजेशन पे क्लिक करके आप जो है रिजल्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भैया कि टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग जॉब्स मिलती है दोस्तों, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं आपको, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, IT वगैरह से रिलेटेड भी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पर अवेलेबल जॉब्स के लिए सर्च करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा लिंक जो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, सर्च आवर जॉब्स पर क्लिक करना है हमें। सर्च आवर जॉब्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों, सारी की सारी जॉब्स अवेलेबल मतलब आपके सामने आ जाएंगी स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री में जॉब्स अवेलेबल है, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में जॉब अवेलेबल है दोस्तों, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है, आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, हर जगह जॉब्स अवेलेबल है। इन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करें कनाडा की, तो सिंपली हम लोकेशन में कनाडा सर्च कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 71 जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों, फाउंड 71 जॉब्स। अभी जब मैंने रिसर्च किया था दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ 89 जॉब्स अवेलेबल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि करीब करीब 100 जॉब्स अवेलेबल हैं। इन सभी जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। पाइपिंग इंजीनियर की जॉब अवेलेबल है, हैवी इक्विपमेंट टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है, E&I प्लानर की जॉब अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर, और ऐसी ही बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। आप अलग अलग पेजेस पे जाके अलग अलग जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। यहाँ वेल्डर की जॉब आपके सामने देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जॉब्स में आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर। आप इन सभी जॉब्स के लिए सिंगल क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़्यादा दिखाऊंगा तो आप देखते ही रह जाओगे, देखो स्क्रॉल करता रहूंगा दोस्तों, आप देखते रहोगे। अलग अलग टाइप की पोजीशंस अवेलेबल हैं और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इन सारी पोजीशंस को रेलेवेंट समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये काम ऑलरेडी कर रखा होगा दोस्तों। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ये जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, तो इसीलिए भैया अगर आपको इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आप देख लेना, आप जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह ओपन करके देख लेना कि आप इन जॉब्स को मतलब कर सकते हो कि
कि नहीं, आप जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई हैं वो फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो तभी अप्लाई करना दोस्तों। लेफ्ट साइड में आपको जो है कुछ सेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिन सेक्टर्स के जरिए जो है आप अपनी जॉब के लिए मतलब फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल एंड गैस में चाहिए तो ऑयल एंड गैस में देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो कंस्ट्रक्शन में जॉब सर्च कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की कॉन्ट्रैक्ट टाइप भी लिखा हुआ है, लोकेशन भी लिखा हुआ है दोस्तों। आप मतलब अपने हिसाब से फिल्टर करिए जॉब को, आपको जिस लोकेशन पर चाहिए, जिस टाइप की जॉब चाहिए, आप उस जॉब के लिए फिर अप्लाई कर दीजिए। बहुत ईजी प्रोसेस होता है दोस्तों। अब सपोज किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये पाइपिंग इंजीनियर की जॉब है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, APEGA। अब मुझे तो ये पता नहीं है लेकिन जो पाइपिंग इंजीनियर का काम कर चुके हैं उनको पता होगा। देख सकते हैं 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है आपसे। अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड बंदे को ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो भैया यहाँ पर मैंने आपको बताया तो 15-17 साल के लोग एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए भी ज़रूरत है, और जो कम एक्सपीरियंस है जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करना नहीं है दोस्तों, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी भरना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि इंडिया सेलेक्ट कर लेना है वहाँ पर, और CV वगैरह ऐड करके जो है आपको सबमिट कर देना है क्लिक। बहुत ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगल क्लिक प्रोसेस है दोस्तों। आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास यही प्रोसेस आएगा, आप इसी तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें मतलब डालने के बाद अप्लाई कर देना है। CV वगैरह अटैच करने के बाद सब आपको दिखाई देता हूँ। देखो वेल्डर की जॉब अवेलेबल है, यहाँ पर वेल्डर की जॉब अवेलेबल है तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देख सकते हो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, सैलरी नहीं मेंशन की गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। और जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भैया कि क्या क्या आपको करना पड़ सकता है, की स्किल्स क्या क्या चाहिए, शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे की है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करो, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख सकते हो, ईमेल आईडी, कंट्री रेजिडेंस वगैरह डालने के बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर दो, ठीक है। CV कवर लेटर दोनों अटैच कर सकते हो, CV ज़रूरी है, कवर लेटर ज़रूरी नहीं है लेकिन CV बहुत ज़रूरी है, CV अटैच करना ही करना है, जो कि स्टार से मार्क्ड है। उन सारे कॉलम्स को भरने के बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करना दोस्तों, आपको रिस्पांस जरूर आएगा। सही तरीके से अप्लाई करोगे, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करोगे तो जरूर रिस्पांस आएगा दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप यहां पर अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस एक चीज करनी है दोस्तों, वो चीज है आपको CV और कवर लेटर बनाना है, वो भी कैनेडियन फॉर्मेट में। अगर आप सपोज हैवी प्लांट ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हैवी प्लांट ऑपरेटर से रिलेटेड एक CV कवर लेटर बनाओ और फिर जाकर के यहां पर जॉब्स के लिए अप्लाई करो, फिर देखो रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर आएगा। इसीलिए दोस्तों वेट करना छोड़िए, जिन जॉब्स के बारे में आपको बताता हूं, जिन कंट्रीज के बारे में आपको बताता हूं, उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप इंडिया में रह जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। याद रखना, वेट करने वाले वेट करते रह जाते हैं और निकलना होगा जिसको, वो निकल जाएगा। जॉब अप्लाई करना चालू कर दिया है बहुत सारे लोगों ने और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और मैं एक चीज और अपील करना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स से कि अगर आपको हमारे CV और कवर लेटर से रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर आपको हमारे CV और कवर लेटर के जरिए जॉब मिल रही है दोस्तों, तो प्लीज हमें रीच आउट करिए और हमसे बातचीत करिए, हमें बताइए ताकि हम आपका इंटरव्यू लेकर के लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को मतलब बता सके कि भैया डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।